एक समय एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के सबसे नटखट और सबसे मजेदार छात्र को डांटा था। ए, बताओ हमारे शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? छात्र ने उदासीनता से उत्तर दिया, 4 सर। लड़के का अद्भुत और विचित्र जवाब सुनकर कक्षा के और सब छात्र ठहाके लगाकर हंस पड़े। टीचर ने सबको डांटा और कहा, तुम सब हंसना बंद करो। कक्षा में पहला लड़का हंसा और कहा, सर आपके पास कितने गुर्दे हैं? ये सुनकर सर ने कहा, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किडनी कितनी है, और ना ही ज्यादा होशियारी दिखाने की। बाहर से कुछ ताजी हरी घास लाओ। ये सुनकर तेज लड़के ने कहा, घास से क्या होगा सर, गाय गधा बकरियां नहीं है। अब शिक्षक ने कहा, कक्षा में एक गधा है, मैं उसे ताजी हरी घास खाने दूंगा। जिस छात्र ने कहा कि उसके 4 गुर्दे हैं, उसने तेज लड़के से कहा कि सर के निर्देश के अनुसार जाकर ताजी घास ले आओ, उसके साथ एक ताजी कॉफी लाना ना भूलना। टीचर ने गुस्से में आकर कहा, कॉफी से क्या होगा, यहाँ कौन कॉफी पिएगा, मैंने उसे सिर्फ ताजी हरी घास लाने के लिए कहा था। शिक्षक को आश्चर्य करके छात्र ने कहा, सर मैं कॉफी पी लूंगा और जो गधा है वो घास खाएगा। हैरान शिक्षक ने कहा, कक्षा में गधा तुम्हारे सिवा और कौन है, बोलो तो, मैं तो किसी और को नहीं देख पा रहा हूँ। तब छात्र ने कहा, सर आपने पूछा है कि हमारे पास कितनी किडनी है, मेरे और आपकी मिलाकर 4 किडनी है, इसलिए मैं क्लास में बेवकूफ नहीं हूँ। सर ने कहा, तुम खुद को ज्यादा समझते हो, और ज्यादा माधवी छात्रों को मैं परीक्षा में 0 देता हूँ, तुम्हारे लिए आवंटित 2 0। इस बार छात्र धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह आपका नुकसान है सर, सब यही कहेंगे कि अमुक शिक्षक के छात्र को परीक्षा में 00 मिला है, बिना कारण आपकी बदनामी होगी, मुझे तो कोई नहीं पहचानता, आपको सब पहचानते हैं। ये सुनकर कक्षा के अन्य छात्र जोर जोर से हंस पड़े। स्कूल जीवन के अंत में शिक्षक ने उस छात्र की नोटबुक में एक विशेष नोट लिखा, हर दिन क्लास में आप जो समझदारी दिखाते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं और सबको हंसाते हैं, मुझे विश्वास है कि एक दिन हमें कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया आपको जान जाएगी, आप पूरी दुनिया को हंसाएंगे। मैंने आपके लिए एक आशीर्वाद छोड़ा है। निर्माता ने उस शिक्षक का आशीर्वाद मंजूर किया। दुनिया के लोग लेजेंड्स के भी लेजेंड्स चार्ली चैपलिन को सब पहचानते हैं। उन्होंने अपनी अभिनय और अजीब हरकतों से दुनिया भर के लोगों को हंसाया। वर्तमान में कई शिक्षक ऐसे हैं जो छात्रों के उत्साह को बर्बाद करते हैं। कक्षा में थोड़े कमजोर छात्र का वो तिरस्कार करते हैं, जो एक सच्चा शिक्षक कभी नहीं करता। एक विद्यार्थियों में एक सच्चा शिक्षक ही सच्ची काबिलियत को खोज सकता है। ऐसी सच्ची काबिलियत ढूंढने वाले शिक्षकों को नमन।